मुझे कहानी बड़ी पसंद है क्योंकि उस कहानी से मुझे बड़ा बल मिलता है। कोई एक मेढक, मेढकों की जो रेस हो रही है, मेढक किसे कहते हैं? है? मेढको, डेढको। अच्छा, डेढको। तो फ्रॉग, ये सब समझ जाएंगे। तो मेढकों की रेस हो रही थी, मेढक सारे पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सारे मेढक, ग्रुप था पूरा, गैंग था। सबने कहा चलो आज मौसम अच्छा हो रहा है, चलो चढ़ते हैं। तो सारे चढ़ने लगे, पर चढ़े कैसे? वो एकदम बहुत शार्प था, एकदम जो माउंटेन था बहुत एकदम सीधा था। अब उस पर थोड़ा बहुत चढ़े फिर गिर जाए, थोड़ा बहुत चढ़े फिर गिर जाए, कुछ दूर चढ़े फिर गिरे, सब गिरते जा रहे थे। पर एक मेढक था, वो चढ़ता जा रहा, वो चढ़ता ही जा रहा, चढ़ता ही जा रहा, ऊपर 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 चढ़ता चढ़ता। सब नीचे से, जो नीचे वाले वो उसको चिल्ला रहे कूद कूद के, अरे मच्छर, गिर जाएगा, मर जाएगा, वापस आ जा, तू गिरेगा तो हड्डी पसली सब टूट जाएगी, वापस आ, सब उछल उछल के उसे चिल्ला रहे। पर उसने एक ना सुनी, वो चढ़ता गया और पहाड़ पर चढ़ गया। मालूम है क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो मेढक बहरा था। उसको कान से सुनाई नहीं देता था, इसलिए जब वो चिल्ला रहे थे ना खड़े होके, अरे गिर जाएगा मच्छर मच्छर, तो वो क्या सोच रहा था? ये सब कह रहे चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, तू चढ़ हम तेरे साथ। और चढ़ गया। दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो बस बहरे बन जाओ, कान नाक सब बंद, जिसको जो कहना कहते रहो, हम तो बहरे, हम बस चढ़ते जा रहे, हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे, तुमको जो बोलना है वो बोलते रहो। ये बात हृदय में जब आ जाती है ना, तब तब अच्छे काम के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो ये जो जिव्या दी है भगवान ने, हम सबको कोशिश करनी चाहिए इसको अच्छे काम में लगाएं, ना कि यहाँ वहाँ की बातें, इसकी निंदा कर दी, उस संस्था को ऐसा बोला, उसको ऐसा बोला, ये एक सच्चे वैष्णव का तो लक्षण नहीं है। निंदा करना उसका लक्ष्य नहीं होता है। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।